हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऑर्डर पे हल्दी ज्वेलरी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत सिंपल बेसिक सी चीज़ें ली हैं, लाइक गोटा फोन, कॉडी शेल्स, बीड। और ये एक मैंने अभी कुछ न्यू क्लोथ्स लिए थे, उसके टैग्स संभाल के रख लिए थे। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं ज्वेलरी बनाने में। देखिए, इस तरह से मैंने पहले एक टैग में से 3 स्मॉल सर्कल्स को कट कर लिया है। ये मैंने 10 रुपी कॉइन का साइज़ लिया था, उसी से मैंने कट करके अब ये मैंने कॉडी शेल्स की हैंगिंग्स बनाई हैं। जो इयररिंग्स हैं उसमें मैंने सेंटर वाले में 3 बीड्स और साइड वाले में 2 बीड्स रखे हैं। और बेंडी जो हमें मांग टीका बनाना था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए जिससे हमारा पूरा फोरहेड ढक जाएगा, इसलिए मैंने उसमें सिर्फ 1 बीड ही यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं इसमें 26,000 मैंने ग्लू यूज़ किया है। फैब्रिक ग्लू भी काम करता है, बट उससे कभी कभी उतना अच्छा इवननेस नहीं आती है जितना इससे आती है, और ये ज़्यादा अच्छा रहता है ग्लू इन कंपैरिजन टू फैब्रिक ग्लू, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और मैंने पॉलेंस लिए हैं, पॉलेंस को इस तरह से कट करके 4 पॉलेंस को पेस्ट किया है एक गोटा फूल के ऊपर। एक बार ये अच्छे से पेस्ट हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर मैंने येलो कलर का फ्लावर यूज़ किया। ऑल दो कस्टमर ने मुझे अपनी साड़ी शो करी थी जो उसे पहनने की फंक्शन पे, दैट वाज येलो इन कलर, जिसको गोल्डन कलर से वर्क हुआ था, बट येलो एंड गोल्डन ऑलमोस्ट सिमिलर कलर्स होते हैं, इसलिए मैंने येलो के साथ कंट्रास्ट मैजेंटा कलर लिया है। आप लोग अपनी चॉइस का कोई भी कलर और कोई कलर वाइट स्काई ब्लू यूज़ कर सकते हो, वट एवर लुक्स गुड अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। और इस तरह से मैंने पीछे इसमें इयरिंग स्टड लगाया है, और ये फेल्ट शीट ली थी मैंने। इनकेस आपको फेल्ट शीट नहीं मिलती है तो आप बकरम शीट या फिर एक और दूसरा ऐसे गोटा फूल भी पेस्ट कर सकते हैं बैक साइड पर, और ताकि पीछे से ख़राब ना लगे और एकदम क्लीन लुक आए हमारे इयरिंग का। इस तरह से अब मैंने इसको पेस्ट करके थोड़ी देर के लिए लीव कर दिया है फॉर 10-15 मिनट्स, जिससे ये एकदम प्रॉपर से हो गए हैं। अब हमारे इयररिंग्स तो बनकर रेडी हो गए हैं, बट मांग टीका अभी भी रह गया है कंप्लीट होने के लिए, जिसके लिए मैंने ये एक बॉल चेन और ये जंप रिंग ली है, इसलिए मैं ऊपर की चेन बना रही हूँ मांग टीका की। और इसके ऊपर मेरे पास बुक नहीं था तो मैंने गोल्डन वायर को ट्विस्ट करके मांग टिक्का का ऊपर का हुक भी बना दिया है। बैक साइड में इसमें भी फेल्ट शीट लगा दी है सो दैट क्लीन लुक आए। और ये देखिए, ये मेरे पास गोल्डन वायर से मैंने हुक बनाया है। अब आप देख सकते हो कस्टमर ने इसको पहना था एंड द कस्टमर वॉज रियली वेरी वेरी हैप्पी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।